नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। यह जो आपको वीडियो में दिख रहा है, यह एक रेन वाटर फिल्टर है दोस्तों। इसको आज हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, यह जो है, जो अपना रेन वाटर लाइन होता है, हम जो बोरिंग में डालते हैं, तो उसके लिए ये फिल्टर है। ये जो पानी होता है आपका, बारिश का पानी, ये फिल्टर करता है। और यहाँ पे देखिए, फिल्टर होने का सिस्टम पूरा यहाँ पे है। ये यहाँ से पानी इन होता है और यहाँ से आपका आउट होता है पानी। तो यहाँ देखिए, पूरा जाली वालीदार सिस्टम लगा के अंदर पूरा है कि इसमें कचरा नहीं जा पाएगा। बोरिंग में कचरा पूरा यहाँ पे स्टोर रहेगा, खाली आपका पानी यहाँ से जाएगा। और समझो, कभी ज्यादा कचरा आपका वहां पे बैठ गया, पानी बहुत कम निकल रहा है यहाँ से, तो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है थ्रेड वाला एंड कैप, आपको यहाँ से ये खोल के पूरा पानी ड्रेन कर देना है, ताकि ये जो कचरा वचरा है यहाँ से यहीं के थ्रू निकल जाएगा पूरा। और हल्का हल्का थोड़ा सा आप ऐसा करने का, पानी पूरा निकल जाएगा कचरा। और आपको जाली वगैरह निकालना रहेगा, तो ये भी एक थ्रेड टाइप ही है, ये घूम के निकल जाता है। इसे घुमाएंगे पाना से तो ये घूम के निकल जाएगा। तो ये जो आपका पूरा ये जो जाली वाला सिस्टम है, ये यहाँ से पूरा निकल आएगा बाहर, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, अगर आप रेन वाटर करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये रेन वाटर फिल्टर का ये जो फिटिंग है, ये जरूर लगाए, जिसके कारण आपका जो पानी है वो कचरा नहीं जाएगा बोरिंग में, आपका खाली पानी ही जाएगा। तो अभी इसको फिटिंग करके आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, और ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर करना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब ये जो फिल्टर है, ये अपना रेन वाटर लाइन है, ये वाला अब इसमें हम इसको लगा देंगे। तो ये जो सॉकेट है, हमने बाद में लगाया हुआ है, इसमें खाली यहां से ये पार्ट था, ये सॉकेट हमने बाद में लगाया। अब हम सॉकेट को इसमें पहना देंगे। अब सबसे पहले सॉल्यूशन मार देंगे, क्योंकि क्या है, सॉल्यूशन से ये एकदम फिक्स मजबूती रहेगी इसको, ताकि गिरे उरेगा नहीं पानी के प्रेशर से। तो इसको आपको सॉल्यूशन ही मार के लगाना है, तो इसको हम सॉल्यूशन मार के उसको लगा देंगे। सॉल्यूशन अच्छी तरह से मारना है, ताकि वो रेन वाटर के प्रेशर से गिरे नहीं, बारिश के प्रेशर से वो गिरे नहीं। थोड़ा सा हम सॉकेट में भी मार देंगे। अब इसमें जो इनलेट है, ये 4 इंच का यहाँ पे है, पर यहाँ पे इनलेट 2.5 इंच का था, तो हमने बुशिंग मार के लगाया हुआ है। इसका इनलेट आउटलेट दोनों भी 2.5 इंच का है। अभी देखो, इसको अच्छी तरह से, ये देखिए, बहुत इजीली जाएगा। और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे, और फिर उसके बाद इसका जो आउटलेट, उसको भी अच्छे से हम उसके अंदर डाल देंगे, इस तरह से सॉल्यूशन लगा के। इसमें भी सॉल्यूशन लगा देंगे। दोनों में अच्छे से सॉल्यूशन लगाना है, इसमें भी, ये आउटलेट पॉइंट है आपका। ये सेम बॉटल ट्रैप के जैसा है दोस्तों, पर ये फिल्टर होके आता है पानी, उसके अंदर आपको दिखाया जाली वगैरह है लगा हुआ है, इसको पुश करके आपको डाल देना है। तो ये अपना जो रेन वाटर फिल्टर है, वो अपना लगा के हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए। और इसका आउटलेट पॉइंट भी हम निकाल दिए हैं। और इसको आपको, जो रेन वाटर फिल्टर है, इसको आपको जो नीचे का टॉप है, फ्लोरिंग का टॉप, उससे आपको 1 फीट ऊपर लगाना है, ताकि आपको ये कचरा उचरा और ड्रेन करने के लिए आपको खोलना पड़े वो नीचे का थ्रेड एंड कैप, तो आपको आसानी से खुल जाए और आप उसको मेंटेनेंस कर सके। इसलिए आपको नीचे से 1 फुट के डिस्टेंस पे आपको वो लगाना है। अब अंदर से तो अपना पूरा लग चुका है, अब इसको बाहर से हम लोग ज्वाइन करके जो बोरिंग का लाइन है उसमें हम लोग डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे वो पॉइंट निकल गया है। अब हम लोग वो उसका टुकड़ा बना रहे हैं, और उसमें ज्वाइन करके सीधा हम लोग डाल देंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। अब इसका जो बाहर का पार्ट है, वो हम लगा के ले लेंगे। सबको आपको सॉल्यूशन लगा के करना है, ताकि वो प्रेशर से निकले नहीं। बारिश का जो प्रेशर होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए सॉल्यूशन लगाएंगे तो लीकेज भी नहीं होगा उसमें।
अब हम इसको फाइनल फिक्स कर देंगे सॉल्यूशन लगा के, जो अंदर से पॉइंट अपना बाहर आया हुआ है। और यहां से फिक्स हो चुका है अपना पॉइंट। यहां से फिक्स करके हमने ये पॉइंट को यहां से बाहर निकाल दिया है। वहां पे अपना बाहर बोरिंग का लाइन है, उसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे। वो भी आपको दिखाता हूं। वहां पे आपको दिख रहा होगा जो आउटलेट पॉइंट है रेन वाटर का, वहां पे निकल गया है। अब उसको हम ये जो बोरिंग का लाइन है इसके अंदर होल मार के आगे से डाल देंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब ये पूरा पाइप फिटिंग एक बार होने के बाद आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जो आउटलेट पॉइंट है उसको हम बोरिंग में डाल देंगे, तो उसको कटिंग कर रहे हैं ये पाइप, ताकि उसके अंदर चले जाए। और यहाँ पे हमने होल गिरा दिया है। अब हम इसको डायरेक्ट अंदर डाल देंगे पाइप को। अब यहाँ पे अपना पूरा फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। जो आउटलेट था हमने ये बोरिंग में डाल दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ पूरा अंदर से बाहर तक किस तरह से हमने पाइप डाला हुआ है। तो यहाँ से हमने जो फिल्टर था रेन वाटर रोस्टिंग का, यहाँ पे ज्वाइन किया था, और यहाँ से ज्वाइन करके सॉल्यूशन के थ्रू ज्वाइन करके पूरा हमने बाहर निकाला इसको। और यहाँ से बाहर निकला है आउटलेट, और फिर यहाँ से सीधा बाहर गया है। और बाहर यहाँ पे बोरिंग है, देखिए वहां पे हमने सीधा इसको कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो फिल्टर है उसको आप जरूर कनेक्ट करके करें, जिससे आपका उसमें फ्रेश पानी जाए, कचरा ना जा पाए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।